दीजिएगा, राइट। ठीक है, तो जैसे कि आप टॉपिक देख रहे हैं बेटा, हेडिंग देख रहे हैं, द वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, राइट। हमने देखा था डाइल्यूशन का इफेक्ट देखा था, राइट, हमने प्रीवियस, अगर आपको याद है, ठीक है ना, राइट। अब हम कंसंट्रेशन पे देखना चाहते हैं कि कंसंट्रेशन की का इफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है, राइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट हमें डिस्कस करने हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक, तो हम इसको दो पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब बाद में हम डिस्कस करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, ठीक है ना, राइट, आपसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक सॉल्ट है, लेट्स सपोज, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कोई सॉल्ट है, ठीक है ना, राइट। अगर मैं इस सॉल्ट की वो पूछता हूँ कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, इस सॉल्ट की कंडक्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगी, कोई भी सॉल्ट है तो उसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगी। हमने क्वेश्चन भी किया था अगर आपको याद है, क्वेश्चन था 7, 5, 2, 3, राइट, अगर आपको याद है ये वाला क्वेश्चन था, तो कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती थी, जिसके जितने ज्यादा आयंस थे, नंबर ऑफ आयंस थे, उसका क्या था, उसका कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा थी। तो स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बच्चों, उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, कंसेंट्रेशन या नंबर ऑफ आयंस पे, राइट। अब सपोज स्टूडेंट मैं आपसे ये पूछता हूं कि लेट्स सपोज एक ये क्या है, स्विमिंग पूल है सपोज, ठीक है, ये स्विमिंग पूल है, राइट, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, राइट। और हमने आपके बैच के लेट्स सपोज 10 स्टूडेंट को की स्विमिंग की रेस करवा दी, 10 स्टूडेंट्स की स्विमिंग की रेस करा दी, राइट, ठीक है, राइट। और अगर मैंने क्या करा, ठीक है, सेम स्विमिंग पूल है, अब मैंने क्या करा, आपके ही बैच के 20 स्टूडेंट्स को क्या कर दिया, स्विमिंग करने को बोला, ठीक है ना, रेस बोला, इधर से इधर जाना है, राइट। बच्चों की सभी की कैपेसिटी लगभग सेम है, मतलब सबके सब सेम ऐसे आइडेंटिकल मान के चलिए, तो आपको क्या लगता है क्या कंडक्टिविटी इधर से इधर बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या होगा, डबल होगी, क्या होगा, सेम रहेगी, ओके, दीपांशु कह रहा है सेम रहेगी, वो भी सेम होगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे ऐसे कहें कि एक मोलर सॉल्ट है और हमने उसको 2 मोलर सॉल्ट कर दिया, तो क्या कंडक्टिविटी सेम रहेगी, जो बोल रहे हैं कि सेम रहेगा, तो अगर मैं कंडक्टिविटी 1 मोलर से 2 मोलर कर दूं, तो क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करेगी, इंक्रीज करनी चाहिए। अब तो पहली बात इंक्रीज, ठीक है ना, ठीक है, अब मैं यही पूछता हूं, राइट, ठीक है, राइट। अब तो पहली बात क्या है, जो कंडक्टिविटी है, राइट, वो डिपेंड करेगी किसमें, नंबर ऑफ आयंस पे, किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ आयंस पे। क्या कोई और फैक्टर भी है जिस पे कंडक्टिविटी डिपेंड करेगी, अब यही मैं पूछता हूं आपसे, देखिए, अब अगर ये सोचिए, राइट, ठीक है, अगर ये सोचिए कि जब हमने यहां पे, ठीक है ना, जब हमने 20 स्टूडेंट को हमने जब रेस कराई, या 10 स्टूडेंट को रेस कराई, राइट, लेट्स सपोज, ठीक है, ये 50 मीटर का वो था स्विमिंग पूल था, इसकी लेंथ 50 मीटर थी, तो लेट्स सपोज इट टेक्स 5 मिनट टू कवर इट, राइट, 5 या 10 मिनट लगा इसको कवर करने में। लेट सपोज अगर मैं अब यही पूछता हूं, ये जो स्विमिंग पूल है, हमने क्या करा, एक बड़ा सा पूल ले लिया, लेट सपोज यही रेस मैं एक बड़े स्विमिंग पूल में कराना चाहता हूँ, काफी बड़ा, और अभी 10 स्टूडेंट्स हैं, अभी भी कितने 10 स्टूडेंट्स हैं, और लेंथ अभी भी 50 मीटर है, तो क्या मुझे बता सकते हैं इसका जो टाइम होगा वो 10 मिनट से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा,
मतलब यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी, आशीष ये कहना चाहते हैं आप, यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा डिस्टेंस कवर करने पे, यहाँ पे ज्यादा लगेगा। ओके कोई जवाब नहीं दे रहा है, एक दो बोल रहे हैं बस, राइट। ठीक है चलिए मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसी यहाँ, ठीक है। मैं एक वॉल्यूम वॉल्यूम छोड़ दीजिए अभी, है ना, ये सब नहीं। मैं एक और सवाल पूछता हूँ आपसे, लेट सपोज, ठीक है, एक साइकिल ट्रैक है, आप साइकिल ट्रैक पे आप ही अकेले साइकिल चला रहे हैं, और एक आपने क्या करा, 1 किलोमीटर जो ट्रेवल किया, लेट सपोज आपने ट्रेवल किया 1 किलोमीटर 15 मिनट में, अब 15 मिनट तो ज्यादा हो गया, लेट सपोज 7 मिनट में आपने क्या करा, 1 किलोमीटर ट्रेवल किया। अब इसी साइकिल ट्रैक पे 1 किलोमीटर का, अब आपके भाई के साथ ये भी आ गया इसी साइकिल ट्रैक में, अब दो लोग, यही ट्रैक है जो छोटा सा ट्रैक है, इस पे दो लोग गाड़ी चला रहे हैं, दो लोग बाइक चला रहे हैं, तो मुझे बताओ साइकिल चला रहे हैं तो क्या 7 मिनट से कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है अब तो मुझे अब यहां बताओ, यहां टाइम कम लगना था कि ज्यादा लगना था, कम लगना था, यहाँ पे क्या लगना था, कम, मोर क्यों बेटा, वाई मोर, ठीक है। यहाँ पे क्या था, अब तुमने कभी रेस देखी है, कभी Formula 1 रेस देखी है, मुझे बताओ क्या जब स्टार्टिंग में जब रेस शुरू होती है तो उनकी स्पीड क्या रहती है, वो क्या करते हैं आपस में, आपस में जब स्टार्ट होती है Formula 1 रेस या बाइक की जो रेस होती है स्टार्ट होती है, शुरू में क्या करते, क्या होता है उनके बीच में, कोलिजन होता है, कोलिजन, कोलाइड करते, टकराते हैं, उसकी वजह से उनकी स्पीड ज्यादा होती कि कम होती है, उनकी स्पीड क्या होती है, लेस होती है, कम होती है। यही जब अभी इनिशियल 10 लोग दौड़ रहे होते, 10 लोग कार चला रहे होते हैं, बाद में सिर्फ 3 लोग कार होते हैं, तो इन 3 लोगों की जब अब ये लास्ट 3 बचे तो इनकी स्पीड मैक्सिमम होगी कि पहले 10 लोगों की स्पीड मैक्सिमम में रही होगी, मैम होगी, तो 3 लोगों में, ठीक है, राइट। तो अब इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है या लैम्डा एम है वो 2 चीज पे डिपेंड कर रही है, एक तो आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस पे, और किस पे, और किस पे, उनकी स्पीड पे, सरफेस एरिया नहीं, उनकी स्पीड पे, उनकी क्या, स्पीड पे, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी क्या होती, मोबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है, राइट। तो 2 चीजों पे डिपेंड करी, एक तो नंबर ऑफ आयंस पे और किस पे, स्पीड पे। अब मुझे ये बताओ कि जो स्पीड होगी, ठीक है ना, स्पीड जो होगी वो, जब ये स्विमिंग पूल था उसमें 10 स्टूडेंट्स से स्विमिंग कर रहे थे, और वही स्विमिंग पूल है जब 20 स्टूडेंट ट्रेवल कर रहे हैं, तो किस में ज्यादा स्पीड मिलेगी, 10 वाले में, क्यों, क्योंकि उनके बीच में, यहां के बीच में क्या, स्टूडेंट स्टूडेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वो क्या है, लेस है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेस है। अब लेस क्यों है, अब लेस क्यों है, क्योंकि क्योंकि इनके बीच में लेस क्यों है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वाई, लेस मेंबर है, लेस मेंबर से क्या हुआ, नहीं अभी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहे, लेस कोलिजन, लेस फ्रिक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करता है, हाँ अभी दीपांशु ने, मोर स्पेस इन बिटवीन देम, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के बीच में काफी डिस्टेंस है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R2। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब क्या है, अगर आप सोचिए, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे हैं ये 4 आयन है ऐसे, अब यही 4 आयन मैंने बड़े वेसल में कर दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब यहाँ पे किस केस में मैक्सिमम मिलेगी स्पीड हमें, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में, सेकंड केस में, क्यों,
क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या है, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या करा, इंक्रीज कर गया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, तो स्पीड क्या हुई, स्पीड क्या हुई, मोबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज कर गई, और मोबिलिटी इंक्रीज की रही तो कंडक्टिविटी को क्या हुआ, कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज कर गया, कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज कर गई। ठीक है, यहां तक मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया विद माय एग्जांपल्स, अभी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जो भी गौरव और जो भी और बच्चे बोल रहे थे, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, राइट ठीक है। अब इसका मतलब अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगर पॉपुलेशन हम बढ़ाएंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना, तो मोबिलिटी क्या हो जाएगी उनकी, कम हो जाएगी, मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है राइट। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं दोबारा से, अगर एक आदमी राइट, वन एक आदमी या वन मैन डू वन वर्क इन इन वन डे, एक आदमी कुछ काम करता है ठीक है ना एक दिन में, तो दो आदमी वो काम कितने दिन में करेंगे, दो आदमी मिलके काम कितने दिन में करेंगे, हाफ डे में। क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है, क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है, नो, ये सिर्फ किताबी बातें हैं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, वाई क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि क्या होती है वहां उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज कर जाती है, वो क्या करते हैं आपस में बात करेंगे ठीक है ना, टाइम पास करेंगे, तो उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब अगर आदमी अकेला होगा तो कितने परसेंट एफिशिएंसी पे काम करेगा, कितने पे काम करेगा, 100% एफिशिएंसी पे काम करेगा अगर ईमानदार है तो, ठीक है ना राइट। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ आदमी जो मैन है वो बढ़ते जाएंगे, एफिशिएंसी क्या होती जाती है, डिक्रीज करने लग जाती है, ठीक है ना राइट। तो जस्ट मैं यही था, यही बताना चाह रहा था, और आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं जो मैंने लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला हम पहले जानते हैं बच्चों, ठीक है ना, यहाँ पे एम जो है वो कंसेंट्रेशन है, और कंसेंट्रेशन क्या है, मोलैरिटी है राइट, ठीक है। सो फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयन, जो मैंने बोला था, बट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ दीज आयन्स, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब देखिए क्या है, अब ये सोचिए राइट, अब अगर क्या है बच्चों, लेट सपोज स्टूडेंट यहां पे 1 लीटर वाटर था, और 1 लीटर वाटर में 4 आयन थे, लेट सपोज 4 आयन थे। अब हमने क्या करा, यहां मैंने क्या कर दिया, 1 लीटर से जगह 5 लीटर कर दिया, ठीक है ना, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। तो जब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, मैं इसको 5 टाइम्स कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ भाई, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस। अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ा कि कम हुआ, इंक्रीज किया कि कम हुआ, इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, डिक्रीज किया, ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज किया राइट। तो डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्पीड इंक्रीज करेगी। अब स्पीड इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब कंडक्टिविटी क्या करेगी, कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। इसका मतलब जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम है, क्योंकि आपने सिर्फ पानी ऐड किया तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहे, लेकिन उनके बीच का जो इंटर आयनिक डिस्टेंस था वो हमने बढ़ा दिया, इंटर आयनिक डिस्टेंस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया आयन आयन के बीच में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते जाएंगे कंडक्टिविटी क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मुझे बताओ कंडक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम कब मिलेगी, व्हेन वी विल गेट मैक्सिमम कंडक्टिविटी, एट कब मिलेगी मैक्सिमम, फटाफट फटाफट,
एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मैक्सिमम डाइल्यूशन का मतलब क्या व्योम? इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ईच एंड एवरी पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा? अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में होगा तो ईच एंड एवरी पार्टिकल कैसे बिहेव करेगा कि दूसरा वहां पे है ही नहीं, क्योंकि वो इतनी दूर पे होगा। ये जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो ये वाला पार्टिकल बहुत दूर होगा, तो इतनी दूर पे होगा तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे है भी कि नहीं है, सिंगल की तरह बिहेव करेगा बिल्कुल। और अगर सिंगल की तरह बिहेव करेगा तो स्पीड क्या मिलेगी, मैक्सिमम की मिनिमम? मैक्सिमम। और कंडक्टिविटी भी क्या मिलेगी? मैक्सिमम। क्लियर है बेटा? टेल मी यस या नो, क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, आइए अब रीड करते हैं। सो ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस आर अनअफेक्टेड बट स्पीड ऑफ आयंस गेट अफेक्टेड। क्या है ऑन डाइल्यूशन? मैंने क्या कहा था अभी, नंबर ऑफ आयंस तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस तो क्या करेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे, बट स्पीड ऑफ गेट अफेक्टेड। स्पीड और मोबिलिटी ऑफ आयन डिपेंड अपॉन द आयन आयन इंटरेक्शन, जो मैंने भी कहा था, सिंस आयन आयन इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन इंटर आयनिक डिस्टेंस। So if inter-ionic distance increases, ion-ion interaction decreases and conductivity increases. Very very important. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, higher the population density, smaller the inter-ionic distance, smaller ionic-ionic interaction, lesser will be the stronger ionic-ionic interaction, lesser will be the lambda m. कोई doubt यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को? क्लियर है राइट? अब देखिए हाँ राइट, अब देखिए क्या है यहाँ पे, अगर आप इसको हेडिंग देखें, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन। तो ये तीन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डीबाई, हैकल, ऑनसेगर, ठीक है ना। इन तीनों ने क्या करा, इन तीनों ने बिहेवियर स्टडी किया मोलर कंडक्टिविटी विद कंसेंट्रेशन पे। तो इन्होंने क्या पाया कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर हम लैम्डा एम वर्सेस रूट स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन, मतलब मोलारिटी स्क्वायर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन वर्सेस लैम्डा का अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जो ग्राफ आता है वो लीनियर आता है। क्या आता है? लीनियर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ क्या आता है? लीनियर आता है, ठीक है। सो अब और फिर उन्होंने उस स्ट्रेट लाइन की क्या करा, इक्वेशन भी दिया उन्होंने, वो इक्वेशन अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं राइट। तो क्या हुआ, डीबाई हैज प्लॉटेड, ठीक है ना, अ ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम एंड रूट सी एंड फाइंड दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्या मिला? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। और वो ग्राफ क्या है वो देखिए, ऐसा ग्राफ मिलता है। क्या है? ऐसा ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ। अब ग्राफ ध्यान से देखिए, ठीक है ना, चाहे यहाँ पे लैम्डा एम हो या लैम्डा इक्विवेलेंट, तो बात एक ही है, बट जो ग्राफ, जो मेनली ग्राफ किसके वर्सेस है, लैम्डा एम वर्सेस राइट। तो अगर आप देखें यहाँ से बच्चों, हम इधर जब इधर है ना, इस तरफ कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, तो जब कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है तो आप देखिए ये कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, और जब हम इधर जा रहे हैं तो कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज कर रही है तो कंडक्टिविटी आप देखिए इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, हम डाइल्यूशन कर सकते हैं, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में डाइल्यूशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे, कंडक्टिविटी क्या करती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी राइट। और इस इक्वेशन का जो इक्वेशन क्या उन्होंने गिवन करी, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट स्क्वायर रूट क्या, सी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस बी रूट क्या है, सी, ठीक है राइट। अब देखिए क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपसे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या आप लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हो, क्या हम कर सकते हैं लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नो। क्यों नो दीपांशु, क्यों नो, वाई नो?
वाई नो, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती। हमें कैसे पता चलेगा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ गया कि नहीं आ गया? हाउ डू वी कम टू नो कि दिस कैटायन इज नॉट अफेक्टिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस एनायन? हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैटायन इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? तो सॉल्यूशन के अंदर चल रहा है, हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता है? नहीं है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिकली वी डोंट हैव एनी मेथड टू कैलकुलेट इन कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना? राइट तो डिबाइयोन सेगर ने क्या करा, इन्होंने ग्राफ यहां तक प्लॉट किया, ठीक है ना? अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ को मैं एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है बच्चों, उसको क्या कर सकते हैं, एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सट्रापोलेट करेंगे तो इस टाइम पे कंसेंट्रेशन क्या मिलेगा, जीरो। इस टाइम पे कंडक्टिविटी क्या मिलेगी, मैक्सिमम। तो ये जो लैम्डा इनफिनिटी है, इसी को बोलते हैं, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसंट्रेशन, और जीरो कंसंट्रेशन जो कि मैक्सिमम मिलेगा। तो सबसे मेन रोल यही है इस ग्राफ का कि हम किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, किसी भी का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, उसका हम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन और जीरो कंसेंट्रेशन बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग दिस ग्राफ, राइट? तो यहाँ पे यही मेंशन है, व्हेन लिमिट सी टेंड्स टू जीरो, तो लैम्डा एम को क्या बोलेंगे, लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नॉट भी बोलते हैं। दो चीज से, लैम्डा एम इनफिनिटी या लैम्डा एम नॉट। इनफिनिटी का मतलब एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, नॉट का मतलब एट जीरो कंसंट्रेशन। तो दोनों चीज एक ही है। तो लैम्डा एम इनफिनिटी और लैम्डा एम नॉट इज मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। दिस इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ, बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग द ग्राफ, ठीक है ना? और दिस इक्वेशन इज नोन एज डिबाई ऑनसेगर, डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिबाई ऑनसेगर हकल इक्वेशन, दिस इक्वेशन। करेक्ट है बच्चों, टेल मी यस या नो, क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्या है बच्चों, राइट? अब क्या है, ये जो इक्वेशन है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिबाई ऑनसेगर जो रूल होता है दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे यही मेंशन है, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट नॉट शुड बी अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सी कंसंट्रेशन है, दैट इज मोलैरिटी। जो बी है स्टूडेंट, यहाँ पे बी एक कांस्टेंट है, ठीक है ना? फॉर दिस कांस्टेंट इज यूज्ड फॉर अ सॉल्वेंट। जो बी है ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट होती है, ठीक है ना? जो कि डिपेंड करती है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट। सो बी क्या है, बी इज कांस्टेंट फॉर अ सॉल्वेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, राइट? हाँ जी, बी की वैल्यू गिवन हो, क्या क्वेश्चन है, पूछेगा आपसे क्या, अगर मैं ग्राफ आपको दे दूं, अगर ग्राफ आपको गिवन होगा, ठीक है ना, और टेन थीटा गिवन होगा, तो आप बी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं? गौरव, कैन वी कैलकुलेट द बी? अगर लेट्स सपोज ये एंगल 135 है, लेट्स सपोज ये एंगल 135 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? गौरव, इफ एंगल इज 135 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? माइनस वन नहीं, वन माइनस, ये पहले से है यहाँ पे, ठीक है ना? क्या है, वन हो जाएगा ना? तो बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप वी कैन कैलकुलेट क्या, या माइनस वन, राइट? ठीक है, वी कैन कैलकुलेट क्या, बी। क्लियर है गौरव, बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप, ठीक है ना, ऑफ द कर्व, ठीक है? अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट।
अब वीक के साथ क्या चैलेंजेस हैं देखिए यहाँ। हाँ जी माइनस बी होगा बेटा, माइनस बी होगा, ठीक है राइट, स्लो विल बी माइनस बी। तो देखिए यहाँ अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या दिक्कत है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्यों हम अलग से डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, मुझे ये बताइए कि जब आप डाइल्यूशन करेंगे ठीक है ना, तो आयंस के बीच का स्पेस तो बढ़ेगा ठीक है ना, राइट ठीक है। या हम ऐसे कहें कि अगर मैं कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता हूं राइट, तो कंसंट्रेशन को डिक्रीज करता हूं तो आयंस क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे ठीक है ना, और ठीक है ना राइट, आयंस डिक्रीज करेंगे। और अगर मैं सेम टाइम पे राइट, मतलब क्या है आयंस डिक्रीज करने का मतलब क्या है, वन ना मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम, तो एक लीटर में देख रहे हैं राइट। तो जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो जो पर लीटर वॉल्यूम होगा उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या करेंगे, डिक्रीज करने लगेंगे। ये क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी क्या है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन ठीक है ना। तो इसका मतलब जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ आयंस जो एक लीटर में प्रेजेंट होंगे वो डिक्रीज करेंगे। अब मुझे बताओ जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो रियली में क्या नंबर ऑफ, यहां से तो पता चल रहा है कि आयंस डिक्रीज करेंगे, क्या ऐसे भी लगता है कुछ और भी हो रहा होगा वहां पे, क्या और भी चीज चल रहा होगा वहां पे? नहीं, यस, एक चीज और भी चल रहा होगा जो कि आपको अभी क्लिक नहीं कर रहा है। एक्सीलेंट गौरव, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अल्फा क्या कर रहा होगा, अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अर्पण ने बिल्कुल सही कहा है, अल्फा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जब इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या करने लगेंगे, नंबर ऑफ आयंस क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पे तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और डाइल्यूशन से ये इसको इंक्रीज करवा रहा है ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक तो ये क्या कर रहा है, अगर हम पर मोल के हिसाब से देखें तो ये पर लीटर में यहां तो डिक्रीज कर रहा है, और डाइल्यूशन के हिसाब से देखें तो लैम्डा ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ आयंस क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो लीनियर नहीं होगा ठीक है ना, राइट, क्या है, ग्राफ लीनियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर क्या है, ये दोनों अपोजिट हैं, तो इस वजह से ग्राफ जब उन्होंने प्लॉट किया तो ग्राफ लीनियर नहीं आया, कर्व नेचर का आया, क्या आया, कर्व नेचर का आया ठीक है राइट। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे यही मेंशन है, द ग्राफ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेट्स सपोज यहाँ पे CH3CH लिया हुआ है एक्सेट्रा, लैम्डा एम वर्सेस लैम्डा रूट इज नॉट लीनियर बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट डिसोसिएट 100% लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ठीक है। सो ऑन डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस, बट एट सेम टाइम विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करता है, इंक्रीज करता है राइट। तो एच ए अगर वी इलेक्ट्रोलाइट तो एच प्लस और ए माइनस, तो सी से सी अल्फा गया, सी अल्फा सी अल्फा। तो आप देखते हैं अगर हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो कंसेंट्रेशन क्या करती है, डिक्रीज करती है, और कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो लैम्डा अल्फा क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसीलिए जो ग्राफ है ठीक है ना, ऑन डाइल्यूशन ये लिखा हुआ, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस बट सेम टाइम अल्फा इंक्रीजेस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दैट इज अल्फा इक्वल टू वन। सो इसीलिए क्या होगा, अब मुझे ये बताओ, जैसे ही क्या होगा, हम जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ पहुंचेंगे तो तुरंत कंडक्टिविटी क्या करेगी, ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, अचानक ही हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस मिलने लगेंगे ठीक है ना, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो आयंस तो मैक्सिमम मिल रहे हैं और उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें ड्रास्टिकली क्या करेगा, हमें जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी। सो द लैम्डा इंक्रीज ड्रास्टिकली एट सी व्हेन सी टेंडिंग्स टू क्या, जीरो। तो आप देख सकते हैं ग्राफ कुछ ऐसा आता है इसका, लैम्डा वर्सेस CH3CH रूट एच रूट सी राइट। तो इधर कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, अगर हम डाइल्यूशन की बात करें तो इधर डाइल्यूशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, करेक्ट है राइट। अब मुझे एक क्वेश्चन ये बताओ
क्या यहाँ पे हम इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट केस में ड्रास्टिकली का मतलब सडन, हाँ जी सडन इंक्रीज करेगा मतलब, तो मुझे यहाँ पे ये बताओ कि क्या क्या यहाँ पे हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस या नो? आदित्य ने बोला है नो, तो आंसर इज नो. व्हाई नो? व्हाई नो बच्चों? व्हाई नो? धनुर का आंसर सही है क्योंकि ग्राफ लीनियर नहीं है, कर्व है, तो ये कर्व जाके कहां जाके मिलेगा, इसको टच करेगा हमें नहीं पता. यहां कर सकता है, यहां कर सकता है, स्लोप चेंज हो रहा है, बिल्कुल सही बात है, हर जगह जाके चेंज होगा, तो कहां पे मीट करेगा वी डोंट नो. सो दिस मींस वी कैन नॉट कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन विथ हेल्प विथ एक्सट्रापोलेटिंग दिस ग्राफ. इसका मतलब डिबाई ऑन सेगर जो रूल है, हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो यहाँ पे यही मेंशन है, हियर वी कैन नॉट फाइंड लैम्डा एम इनफिनिटी और लैम्डा एम नॉट बाय एक्सट्रापोलेटिंग द अबव ग्राफ. हम ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करके नहीं कैलकुलेट कर सकते. यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? टेल मी यस या नो बच्चों. राइट अच्छा मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ आपसे, देखते कौन बताता है. अगर मैं यहाँ पे ये CH3COH का ग्राफ है, क्या है CH3COH का ग्राफ हमने बनाया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं HCOOH का ग्राफ बनाना चाहूं तो इसके ऊपर आएगा किसके नीचे आएगा ग्राफ, इस ग्राफ के नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? ऊपर आएगा, इधर आएगा कि नीचे आएगा, मतलब ऊपर आएगा. क्यों ऊपर आएगा? वाय ऊपर, अबव क्यों आएगा? वाय अबव क्योंकि ये क्या है, ये CH3COH से स्ट्रॉन्ग एसिड है. दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू CH3COH, ज्यादा डिसोसिएशन होगा तो इसका ग्राफ कहाँ आएगा? ऊपर की तरफ आएगा. ये हो गया HCOH. राइट अब अगर मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, ये जो ग्राफ था ये वाला KCl का ग्राफ था, अगर मैं अब आपसे फिर से पूछता हूं, अगर मैं HCl का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं तो इधर प्लॉट करूंगा कि अपर अपवर्ड की डाउनवर्ड? HCl का ग्राफ डाउनवर्ड, ओके अपर. वाय अपर? वाय अपर? अपर क्यों कह रहे हैं और कुछ लोग डाउनवर्ड क्यों कह रहे हैं? वाय अपर? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग तो बेटा दोनों है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोसिएशन तो 100% होगा. बट अगर आपने नोट्स देखे होंगे, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब मैं सॉल्ट करा रहा था, या मैंने बहुत बार पहले ही बताया हुआ, मैक्सिमम मोबिलिटी किस कैटायन की होती है? मैक्सिमम मोबिलिटी किस कैटायन की होती है? किस कैटायन की मैक्सिमम मोबिलिटी होती है? एच प्लस की. और किस एनायन की मैक्सिमम होती है? किस एनायन की मैक्सिमम मोबिलिटी होती है? OH माइनस की. तो इसका मतलब अब मुझे बताओ, अब क्या आंसर आएगा? अपवर्ड की डाउनवर्ड? अपवर्ड की डाउनवर्ड, अब क्या आएगा? अपवर्ड आएगा. डाउनवर्ड क्यों आएगा दीपांशु? अपवर्ड आएगा, क्या है? के प्लस. अब आपके पास दो आयन है, के प्लस और एच प्लस, किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी? एच प्लस की, के प्लस की? H प्लस की. इसका मतलब क्या होगा? H प्लस की कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी, वो ग्राफ ऊपर आएगा. प्लीज ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, दोनों पहले आ चुके हैं ये पेपर में, ठीक है ना? राइट. और ये मेरे नोट्स में नहीं है, तो ध्यान रखना इस ग्राफ को बेटा. अब देखिए, इसका मतलब हम CH3COH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो क्या हुआ, एक नया रूल आया, ठीक है ना? राइट. एक और साइंटिस्ट आया जिन्होंने क्या करा, एक मेथड दिया, फ्रॉम वेयर वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. देखिए कैसे, उस लॉ को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं कोलरैश लॉ. क्या बोलते हैं? कोलरैश लॉ, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा. मैं जो बोल रहा था शुरू में कि क्वेश्चन अगर एक आता है कंडक्टिविटी से, तो वो इसी टॉपिक से आएगा. ठीक
ठीक है ना, और किसी टॉपिक से नहीं आएगा, इसी टॉपिक से आएगा। सो कोलरेंस लॉ, तो कोलरेंस लॉ की पहला तो यही देख ले जो मैंने अभी बताया था, एज वी हैव सीन विद द हेल्प ऑफ डिबाई ऑन सेगर ग्राफ लैम्डा एम वर्सेस रूट सी वी कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम इनफिनिटी और लैम्डा एम नॉट फॉर दैट इज मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हम कैलकुलेट नहीं कर सकते किसका, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे लिख देते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कोलरेंस हैज प्रपोज्ड वन लॉ नोन एज कोलरेंस लॉ। क्या कहते हैं, कोलरेंस लॉ। अब उन्होंने क्या कहा, देखिए बहुत बहुत ही बढ़िया लॉजिक लगाया है कोलरेंस ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो है ये, ठीक है ना। उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक, मतलब एक इक्वेशन दिया और बहुत बहुत अच्छे तरीके से इसको इसको इन्होंने क्या करा, इसकी इसको सॉल्व किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया। देखिए कैसे किया, बहुत अच्छा दिमाग लगाया इन्होंने। देखिए कैसे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि CH3COH है जब डिसोसिएट होगा तो CH3CO माइनस और H प्लस, राइट, ये मिलेगा हमें। अब मुझे बताओ अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो इसकी जो कंडक्टिविटी है, इस एनायन की जो कंडक्टिविटी है वो चाहे यहां से आए या किसी और से आए सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं क्या क्वेश्चन है, CH3COOH है जब डिसोसिएट किया तो CH3CO माइनस मिला और H प्लस मिला, ठीक है ना। अब क्या है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो ये जो है ये चाहे यहां से आए या CH3CONA से आए, क्या इसकी कंडक्टिविटी दोनों में सेम रहेगी कि डिफरेंट होगी, यहां से आए या यहां से आए सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी, सेम रहेगी। क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या है, हमें तो ये है कि दोनों पता ही नहीं है कि दूसरे यहाँ पे है भी कि नहीं, इंडिपेंडेंट बिहेव करते हैं तो सेम रहेगा। अब ये HCl, ठीक है ना, ये जो H प्लस है वो यहां से आए या HCl से आए, क्या इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सेम रहेगी कि डिफरेंट रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने क्या कहा, डिबाई ने, इन्होंने कोलरेंस ने क्या करा कि आप इसको कहीं से भी लेके आइए, कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट से लेके आए, इसको लेके आइए, ठीक है ना, कहीं से भी। और ये कहां से आएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में कहां से कैलकुलेट होगा, इसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन में किस कहां से, ये कहां से मिलेगा हमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये आप कहीं से भी लेके आइए, ठीक है ना, और मैं जो इक्वेशन बता रहा हूं उसमें आप पुट कर दीजिए बस, और आंसर लेके जाइए। तो ये लॉ कोई एक्सपेरिमेंटल लॉ नहीं है, ये एक इक्वेशन है जो डिवाइन, जो कोलरेंस ने क्या करा कि आप ये दोनों वैल्यू ये लेके आइए, ऑन सेगर से पूछिए, ऑन सेगर से पूछ के लेके आइए, और जो मैं इक्वेशन दे रहा हूं उसमें पुट कर दीजिए और आंसर लेके जाइए। और उन्होंने देखिए क्या करा, बहुत स्मार्टली क्या करा कोलरेंस ने, हमें चाहिए क्या था, हमें CH3COH चाहिए था, ये चाहिए था। अब उन्होंने क्या करा, देखिए उन्होंने क्या कहा कि अगर आपको ये चाहिए, ठीक है ना, राइट, तो ये हमें कहां से मिलेगा, देखिए ये क्या मिलेगा, अगर मैं इसको लेके आता हूं CH3COONA से, क्या ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यस या नो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है ये और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि सॉल्ट है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यस या नो बच्चों, डिबाई ऑन सेगर के ग्राफ से ऐसे एक्स्ट्रापोलेट करके, राइट। अब प्लस लैम्डा नॉट HCl, क्या ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिबाई ऑन सेगर से, यस ये भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए क्या, अब ध्यान से देखिए आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था CH3CO माइनस और H प्लस, तो एक्स्ट्रा क्या मिला आपको, एक्स्ट्रा क्या मिला, एक्स्ट्रा क्या मिला, Na प्लस और Cl माइनस। इसका मतलब हम यहां पे क्या करें, प्लस कर दें, क्या करें, प्लस करें कि माइनस करें, माइनस कर दें लैम्डा नॉट किससे, NaCl से। अब मुझे बताओ ये क्या हो गया, ये NaCl, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग। तो इस हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या कैलकुलेट कर लिया, वी कैलकुलाइट का क्या कर लिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। तो यही क्या है, कोलरेंस लॉ है, क्या है, कोलरेंस लॉ। समझ में आया कि बच्चों की नहीं आया,
एक्सेप्ट विशाल बेटा, किसी और को समझ में आया? ठीक है, तो कुलरैस ने क्या करा, कुलरैस ने, ठीक है ना, तो देखिए क्या है, ठीक है ना, कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कुलरैस ने क्या कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है ना, ईच एंड एवरी आयन बिहेव्स एज एन इंडिपेंडेंट आयन, ठीक है ना, ईच एंड एवरी आयन क्या करेगा, इंडिपेंडेंट आयन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है ना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% मिलेगा। इसका मतलब ये तो क्या मिल रहा है आपको, 100% ही मिल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ कम मिल रहा है। इसका मतलब अगर 100% मिल रहा है ये, तो ये 100% हम कहीं और से भी ला सकते हैं, और वो कहां से ला सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, विद द हेल्प ऑफ डिबाई ऑन सेगर रूल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, कुलरैस ने लॉ क्या कहता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है ना, देर इज नो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, देयरफॉर ईच आयन will behave as if other ion is not present and will be mobility will be 100%, yeah, it will work with 100% efficiency, ठीक है। So आइए इसको देखते हैं बेटा, law क्या कहता है। This law is applicable for infinite dilution. Infinite dilution आप समझ गए क्यों, क्योंकि infinite dilution पे ही हमें क्या करेगा, CH3COH strong electrolyte की तरह behave करने लगेगा। So at infinite dilution, each and every electrolyte, strong or weak, will behave as a strong electrolyte. As its degree of dissociation alpha कितना होता है, 1 होता है, right? अब ये law कहता क्या है, ठीक है? ये definition है law की, at infinite dilution there is no inter ionic force of attraction, therefore each ion will behave or move as if other ion is not present in the solution or electrolyte. तो एक ion ऐसे behave करेगा या ऐसे move करेगा जैसे कि दूसरा ion वहाँ पे present ही नहीं है। दिस इज कुलरैस लॉ। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? ठीक है। सो ये मैंने यहां पे यही एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? चलिए यहां मैं अब आपसे पूछता हूं, ठीक है ना, या पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कुलरैस नोटेड दैट If in lambda m infinity or lambda m naught of any electrolyte NaX or KX for any X is nearly constant, मतलब क्या है, ये कहीं से भी आए, ठीक है ना, चाहे NaX से आए या KX से आए, for any X ये क्या रहता है, nearly constant रहता है। देखिए इसका क्या मतलब है, अब देखिए क्या है, KCl minus NaCl, right? तो ClCl cancel हो गया, तो आपको क्या मिला, K plus और Na, Na प्लस का डिफरेंस मिला। अब यहाँ पे देखिए, फिर से Br माइनस और Br माइनस कैंसिल हो गया, फिर से किसका डिफरेंस मिला, K प्लस का और Na प्लस का, ये दोनों बराबर हो गए। और अगर हमने यहाँ Ki और Ni किया, तो I माइनस कैंसिल हो गया, फिर से क्या मिला, K प्लस और Na प्लस। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखना चाहते हैं, तो ये आप कहीं से भी लेके आए, कोई सा भी एक्स लेके आए, अगर इनका डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, नेट वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, कॉन्स्टेंट मिलेगी, और वो किसके बराबर है, 23.4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल के बराबर है। नो नीड टू क्रैम दिस वैल्यू याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट? यही अगर हम क्या करते हैं, ठीक है ना, अगर मैं अब उल्टा करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, बी आर माइनस और सी एल माइनस का डिफरेंस लेना चाहता हूं, तो मैंने इस बार एन ए बी आर ले लिया और एन ए सी एल ले लिया, तो किसका है, बी आर माइनस और बी आर माइनस का डिफरेंस, इधर के बी आर और के सी एल ले लिया, तो भी बी आर माइनस और के सी एल का डिफरेंस मिला, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.8 के बराबर आती है। क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, राइट? ठीक है, राइट। सो दिस इज एन स्टेटमेंट एज पर एनसीईआरटी, प्लीज स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्कूल में आती है, ठीक है ना, बोर्ड में आता है। So the Kolrae's law states that limiting molar conductivity of any electrolyte can be represented as sum of the individual contribution of cation and anion of electrolyte. मतलब क्या है? क्योंकि अब infinite dilution है, cation और anion के दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, independently behave करेगा। इसका मतलब जो conductivity होगी किसी भी electrolyte के infinite dilution, वो sum of limiting molar conductivity होगी anion की plus sum of molar conductivity होगी cation की। क्लियर है बेटा? क्लियर है?
क्लियर है यहाँ तक? राइट, तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर NaCl की कंडक्टिविटी हमें देखनी है तो वो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस होगा, ठीक है ना। अब इन जनरल ध्यान से देखिए, एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे ऐसे पूछता हूँ Na2SO4, तो इसकी अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी देखनी है Na2SO4 को, तो आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट आयन की तरह बिहेव करेंगे कैटायन आयन, तो यहाँ पे कैटायन कितने मिलेंगे आपको, 1K2, तो कितने मिलेंगे यहाँ पे कैटायन, कितने मिलेंगे 2, तो 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ क्या होगा Na प्लस प्लस 1 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ क्या, सल्फेट आयन, ठीक है। तो अगर आपसे मैं पूछता हूं लैम्डा नॉट Al2SO4 होल थ्राइस बताइए तो क्या होगा, अगर ये इसकी Al लैम्डा नॉट Al3 प्लस है X, हाँ लैम्डा नॉट स्मॉल लैम्डा यूज करेंगे, स्मॉल लैम्डा यूज करेंगे कैटायन एनायन के लिए, और लैम्डा नॉट ऑफ सल्फेट वो Y है, तो मुझे बताइए इसका लैम्डा नॉट क्या आएगा Al2SO4 होल थ्राइस का, Al2SO4 होल थ्राइस का क्या आएगा, 2x प्लस 3y, अरे 2 और 3 नहीं, 2x प्लस 3y आएगा परीक्षित, आएगा 2x प्लस 3y, क्लियर है बेटा कि नहीं क्लियर है। सो दिस मींस जनरल क्या होगा, इन जनरल लैम्डा नॉट m किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का वो क्या होगा, यहाँ पे म्यू यूज कर रहे हैं, म्यू प्लस लैम्डा नॉट प्लस प्लस म्यू माइनस लैम्डा नॉट माइनस। अब म्यू प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस, और म्यू माइनस है नंबर ऑफ एनायंस प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोलाइट, और लैम्डा प्लस है नॉट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन, और लैम्डा नॉट जो माइनस है वो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट, या लिमिटिंग वर्ड डाल दिया तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो अब ये यहीं पे ये मेंशन है बेटा, क्लियर है बेटा, टेल मी यस या नो, ठीक है, प्लीज डोंट लीव द क्लास, हाँ ठीक है ना, कोई भी क्लास छोड़ के जाएगा नहीं बेटा, तभी में तो थोड़ा और कवर करना है। ठीक है, तो प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आता ही आता है, अगर एक क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। आइया चलिए, अब मैं आपसे आपसे पूछता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे अगर अगर मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, सी ए प्लस का एक्स है और इसका सी एल माइनस का टू वाई है, तो व्हाट विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका एक्स और इसका सी एल माइनस का वाई, तो क्या होगा, टू एक्स प्लस वाई, फटाफट आंसर बताएंगे, टू एक्स प्लस वाई, इसका अगर एक्स है और इसका वाई है तो क्या आंसर आएगा, इसका एक्स और इसका वाई है तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई, इसका अगर एक्स है और इसका वाई है तो क्या होगा, ए एल प्लस थ्री का, अभी हमने देखा था ए एल प्लस थ्री का एक्स और सल्फेट का वाई है, तो कितना कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री वाई, ठीक है राइट। अगर मैं यही आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कौन बताता है, के टू एस ओ फोर प्लस ए एल टू एस ओ फोर होल थ्राइस प्लस 24H2O, इसका एक्स इसका वाई इसका जेड, तो क्या होगा लैम्डा नॉट इस पोटेश एलम का क्या होगा, फिटकरी का क्या होगा, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है ना, वैल्यू दे रखी थी और कैलकुलेट करना था, तो क्या आएगा यहाँ पे, फटाफट फटाफट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्स की क्या, के की क्या एक्स, सल्फेट की वाई और एल्यूमिनियम की एल प्लस थ्री की जेड, तो कितना होगा, 2x, x नहीं 2x, विशाल K2 है ये, तो 2x प्लस ये कितने, y कितने, सल्फेट 1 और यहाँ 3, तो 4, तो प्लस 4y प्लस एल्युमिनियम कितना, 2z, वाटर का कोई कंडक्टिविटी नहीं होगा प्लीज, हाँ इट इज नॉट एनायन और कैटायन, क्लियर है बेटा, ये क्लियर है, कर लेंगे ये, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे यही है बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कुलरैस लॉ इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, क्या है कुलरैस लॉ इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है, तो कुलरैस लॉ क्या कहता है, अगर हम इक्विवेलेंट के टर्म्स में कहते हैं तो ये क्या कहता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है,
वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस. इक्विवेलेंट नंबर ऑफ कैटायन एनायन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या होगा कैटायन की इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी और एनायन की इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी का आउटपुट कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो आंसर ये हो जाए. तो अगर मैं यही पूछता आपसे कि इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी, अगर ये इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी होता x y z is equivalent molar conductivity, then what will be the lambda equivalent of this equivalent, what kya answer aata aap? Agar yahi x y z jo hota, x y z jo hota wo equivalent molar conductivity hota, to what will be the equivalent molar conductivity of potassium, kya answer aata? Ab kya bol raha hu main, independent, arpan very good ha, independent upon number of ions and cations, to ye ho jayega x plus y plus z ho jayega. करेक्ट है, क्लियर है, राइट. सो देखिए यहाँ, ये यहाँ पे यही रिलेशन गिवन है, ठीक है ना. ये देखिए यहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ पे कोलरेस लॉ इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, दैट इज लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ एनायन, राइट. ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है. अब मैं इसमें और इन दोनों में रिलेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ. देखिए यहाँ किसी भी जो सॉल्ट का जो एंड फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ कैटायंस इनटू इट्स चार्ज या नंबर ऑफ एनायन इनटू इट्स चार्ज. फॉर एग्जांपल Al2SO4 होल थ्राइस का एंड फैक्टर कितना होता है 6, क्योंकि अगर एल्यूमिनियम की बात करें कैटायन के रिस्पेक्ट में देखें तो 2 इनटू एल्यूमिनियम पे चार्ज 3 होता है तो कितना हो गया 6, ये रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम है Al3+ है. अगर रिस्पेक्ट टू सल्फेट देखेंगे तो भी यही आएगा, सल्फेट 3 है, चार्ज 2 होता है तो 6 हो जाएगा. इसका ना एंड फैक्टर जो होगा वो म्यू प्लस इनटू एन प्लस है. म्यू प्लस अभी हम देख के आए थे, ठीक है ना, म्यू प्लस है नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस, ठीक है, राइट. तो ये क्या है म्यू प्लस इनटू एन प्लस, तो म्यू प्लस क्या है नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस, एन प्लस क्या है चार्ज ऑन कैटायन, और एन माइनस क्या है चार्ज ऑन एनायन, ठीक है. मुझे बताओ किसको याद है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट, क्या रिलेशन है, फटाफट बताएंगे व्हाट इज द रिलेशन. प्लीज डोंट लीव द क्लास, आई नीड वन मोर मिनट. इनटू कितना एन फैक्टर, क्या था इनटू एन फैक्टर, ठीक है ना. इसका मतलब मैं लैम्डा अगर इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं तो लैम्डा नॉट एम अपॉन एन फैक्टर कर दू, ठीक है. तो आप ध्यान से देखिए क्या था यहाँ पे, ठीक है, हमने अभी लिखा था ये, चलिए मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना. तो ये कितना एन फैक्टर है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एन फैक्टर, कैटायन और एनायन का ये अभी लिखा था हमने. इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इक्विवेलेंट लिखना चाहता हूं तो लैम्डा एम अपॉन कितना होगा एन फैक्टर, और लैम्डा एम अपॉन कितना हो जाएगा एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना. अब ये कैटायन है और एनायन है, ध्यान से समझिएगा, कैटायन और एनायन है, किसी कैटायन और एनायन का क्या एन फैक्टर होता है मुझे बताइए, किसी कैटायन और एनायन का क्या एन फैक्टर होता है, चार्ज, वेरी गुड, क्या होता है चार्ज, तो उसके डिवाइड कर देंगे चार्ज से, एक्सीलेंट बच्चों, ठीक है, क्या होता है चार्ज. तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा एम अपॉन कितना, लैम्डा एम प्लस किसका मोलर कंडक्टिविटी, किसका इसका कैटायन का, ये प्लस है, ये बीच में प्लस है, अपॉन एन फैक्टर, ये सॉरी एन प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ एम माइनस एन एन अपॉन एन माइनस, याद रखेंगे एन प्लस एन माइनस क्या है चार्ज ऑफ कैटायन एंड चार्ज ऑफ एनायन. आप यहाँ भी पुट कर सकते थे, देखिए यहाँ सीधे सीधे देखिए यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 6 से, यहाँ भी डिवाइड करते हैं 6 से, तो कितना आता है यहाँ पे 3 आता, यहाँ पे कितना आता 2 आता, तो 3 क्या है चार्ज इसका है और 3 इसका चार्ज, सॉरी 2 इसका चार्ज है, तो भी आंसर यही आता. तो ध्यान रखेंगे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, लैम्डा एम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लैम्डा एम प्लस दैट इज कैटायन और अपॉन इट्स चार्ज प्लस लैम्डा इंफिनिटी ऑफ एनायन अपॉन इट्स चार्ज, वेयर एन फैक्टर ऑफ एनायन एंड कैटायन विल बी इक्वल टू इट्स क्या होता है चार्ज होता है. तो लैम्डा एम इंफिनिटी लैम्डा एम नॉट, ये तो हमने पहले